मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, ये अच्छी तरह जान लिया। बिहार के सियासी सरगर्मियों का असर अब यूपी में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस इंडिया गठबंधन को खड़ा करने में नीतीश कुमार का पूरा हाथ था, उसी अलायंस में शामिल समाजवादी पार्टी को नीतीश कुमार के बिगड़े तेवर रास नहीं आ रहे। सपा के दो वरिष्ठ नेताओं ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए उनके पुराने दिनों दी गई एक प्रतिज्ञा याद दिलाई। एक हैं सपा नेता राजीव राय और दूसरे हैं आईपी सिंह, जिन्होंने नीतीश कुमार का पुराना बयान शेयर कर उनके इंडिया गठबंधन के साथ रहने की उम्मीद जताई। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, ये अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए, सब बोगस बात है, काहे के लिए बोल रहा है। राजीव राय ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, माननीय नीतीश कुमार जी, हम सब चाहते हैं कि आपकी लंबी उम्र हो, आप देश के बड़े नेता हैं, आपसे हम सबको उम्मीद है कि भाजपा के खिलाफ आपने प्रतिज्ञा किया था उसको हम सब मिलकर पूरा करेंगे, इंडिया गठबंधन के जनक हैं आप, अगर फिर पलटी मारेंगे तो जनता क्या सोचेगी। राजीव राय की तरह ही सपा नेता आईपी सिंह ने नीतीश कुमार के इसी वीडियो को शेयर किया और कहा, बीजेपी से आहत होकर अब राजद के साथ सरकार बनाई, उस वक्त श्री नीतीश कुमार ने कहा, मैं बीजेपी के साथ कभी नहीं जाऊंगा, ये लक्ष्मण रेखा है जिसे नीतीश कुमार जी कभी पार नहीं करेंगे, आशा है अपने प्रतिज्ञा का पालन वो जीवन भर करेंगे। इससे पहले सपा मुखिया अखिलेश यादव भी नीतीश कुमार को लेकर बयान दे चुके हैं, उनका भरोसा है कि नीतीश कुमार कहीं नहीं जाएंगे, हालांकि नीतीश कुमार को क्या करना है उसकी तस्वीर साफ होने में बस कुछ घंटों का वक्त बाकी है।